गाइज एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इंडिया फंडेसी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज जैसा कि आपने देखा T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम लोगों ने बहुत अच्छी विनिंग की और फाइनली हमारी टीम इंडिया की टीम पूरे वर्ल्ड कप 2024 में एक भी मैच नहीं हारी और फाइनली वर्ल्ड कप हमारे हाथों में थमा दी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने अच्छी विनिंग भी की, उसके बाद वर्ल्ड कप का हकदार भी रहे, मतलब ट्रॉफी का हकदार हम ही लोग बने। तो सब कुछ अच्छा रहा। तो आज के इस मैच में क्या हो सकता है, कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है और कौन कौन खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कौन खिलाड़ी फ्लॉप जा सकता है, एक एक करके बताने वाला हूँ। ये इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स का तीसरा ODI फॉर्मेट का मैच है, जो कि मेगा ग्रैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनली आप अच्छी विनिंग चाहते हो, अच्छे रैंक को अचीव करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देख के जाना। चलो हम देख लेते हैं ये जो मैच खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाने वाला है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना। थर्ड ODI मैच है और 3 जुलाई 5:30 पे शाम को ये मैच खेला जाने वाला है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, कॉमन प्लेयर्स एनालिसिस करने वाले, डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस मैच में। मतलब कि आज के इस मैच में 10 ऐसे प्लेयर हैं जो कॉमन हैं, जिनको लोग अपनी टीम में भर भर के अभी से लेके जा रहे हैं, वो कौन से प्लेयर हैं और फाइनली उनमें कौन फ्लॉप जा सकता है और कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है, सब कुछ बताऊँगा। उसके बाद 4 ट्रम्प प्लेयर ऐसा बताऊंगा जिसको आपने रोटेट कर लिया ना तो मेगा ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको फिक्स प्लेयर भी बताने वाले हैं, मस्ट हैव पिक। उसके बाद और भी बहुत सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना हो। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन कर दिया हुआ है, जहां आप बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ आपको, सारा अपडेट आपको फ्री में मैं देता हूँ, यहाँ पर एक भी पैसा आपका नहीं लगता है। तो बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से मैं काम करता हूँ और आप लोगों को अच्छी विनिंग करवाता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और फर्स्ट कमेंट में भी टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर पिच का एनालिसिस कर लें तो मैं आपको बता दूँ, ये पिच सपाट होने वाला है, जहाँ पर बैट्समैन इंजॉय करने वाली हैं, ठीक है ना। वहीं पे बॉलर्स में बात करें तो यहाँ पर पेसर को ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, साथ में स्पिनर को भी विकेट्स मिलेंगे लेकिन कम मिल सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर ले वेन्यू स्टेट्स की, तो आप यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड वुमेन्स का है 373 रन, उसके बाद लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड वुमेन्स का ही है 196 रन। अब आगे और भी फैक्ट जान लेते हैं इस पिच के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बात करें टोटल मैचेस इस ग्राउंड पे ना भाई 14 खेले गए, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 9 मैचेस को विन किया, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 5 मैचेस को विन किया। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करेगी या बैटिंग सेकंड, वो भी आपको पता चलेगा, वो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो एवरेज स्कोर यहाँ पर 248 का है, ठीक है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न पर तो नज़र डालेंगे तो देखेंगे 200 और 249 के बीच में 9 बार बना है, वहीं पर 250 और 299 के बीच में 3 बार बना हुआ है और 300 से ऊपर 2 बार बना हुआ है। बात करें वहीं मौसम की तो यहाँ पे देखेंगे 13.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 87% ह्यूमिडिटी है, नमी है, मोस्टली क्लाउडी आपको देखने को मिलेगा, 25% बूंदाबूंदी मतलब हल्की फुल्की बारिश होने के भी चांसेस है। तो वैसे भी यहाँ पर प्रेशर धमाल कर सकता है अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर 3 मैचों का हम लेखा जोखा देखेंगे जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे प्लेइंग 11 पे और हम देखेंगे कि प्लेइंग 11 में कितने कॉमन प्लेयर हैं जिनको लोग अपनी टीम में भर भर के लेके जा रहे हैं, क्या वो सारे के सारे परफॉर्म करने वाले हैं, क्या फ्लॉप कोई नहीं जाने वाला, तो वो भी फाइनली आपको मैं एक एक करके बताऊँगा। तो यहाँ पर प्लेइंग 11 में बात कर लें इंग्लैंड की तरफ से, सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंग्लैंड की तरफ से कौन कौन है जो कॉमन है। तो यहाँ पे टी बी माउंट यहाँ पे कॉमन प्लेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद एम बाउचर कॉमन प्लेयर, बात कर दें यहाँ पर एंड साइबर बरंट कॉमन प्लेयर, उसके बाद आ जाओ नीचे एमी जोन्स कॉमन प्लेयर, चार्लर डॉन डीन कॉमन प्लेयर, उसके बाद सोफी एक्लेस्टोन कॉमन प्लेयर और के क्रॉस कॉमन प्लेयर।
टोटल ये सात ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग अपनी टीम में अभी से भर भर के लेके जा रहे हैं, तो क्या ये सातों का साथ अच्छा परफॉर्म करने वाला है, डीम टीम का हिस्सा बनने वाला है वो भी बताऊंगा। उसके बाद जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं क्या वो आज चलेंगे नहीं, तो वो भी एक एक करके मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखो इधर से तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो कॉमन है, अब वो कौन खिलाड़ी हैं फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अमेलिया केर यहाँ पे कॉमन प्लेयर आपको देखने को मिला, सूफी डिवाइन कॉमन प्लेयर। उसके बाद एक और खिलाड़ी मैं आपको बताता हूँ, ब्रुके हैलिडे, ये कॉमन प्लेयर। ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमन है, बाकी के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या इधर देखोगे जी प्लेमर, क्या ये चलेंगे नहीं? उसके बाद सुजी बेट्स, क्या ये चलेंगे नहीं? इस पर नज़र डालेंगे, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। चार ऐसे प्लेयर मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना जो बहुत टॉप का परफॉर्म कर सकती है, वो कौन सी खिलाड़ी हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होने वाला है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है अगर ग्रैनली को जीतना है। तो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ देख लेते यहाँ पर तीन मैचों का। देखो 12 जुलाई 2023 को मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस के बीच में। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस फर्स्ट बैटिंग करते हुए 263 रन बनाई थी यहाँ पे, और इंग्लैंड वुमेंस चेस करते हुए 267 मार करके इस मैच को जीत ली थी। अब ये चेस करते हुए मैच को जीता गया था 2 विकेट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेसर को 7 विकेट्स मिले और स्पिनर को 9 विकेट्स मिले, पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो स्पिनर को ज़्यादा विकेट्स मिले हैं। अब आ जाओ यहाँ पे 15 जुलाई 2022 की बात कर ले, इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 337 रन का टारगेट दिया, यहाँ पे डिफेंड करते हुए इंग्लैंड वुमेंस ने मैच को जीता था साफ सफीका वुमेंस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेसर को 7 विकेट्स मिले और स्पिनर को 8 विकेट्स मिले, यहाँ भी स्पिनर पेसर के ऊपर भारी रहे। अब देखो यहाँ पे 16 सितंबर 2021 की बात कर ले, इंग्लैंड वुमेंस और न्यूजीलैंड वुमेंस के बीच में मैच हुआ जिसके बीच में आज ये मैच होने वाला है। इंग्लैंड वुमेंस ने 241 रन बनाए, वहीं पे 211 रन पे ढेर हो गई न्यूजीलैंड वुमेंस और 30 रन से हार गई, ठीक है ना। इंग्लैंड ने यहाँ पर चेस करते हुए डिफेंड करते हुए मैच को जीता था, 2 मैच यहाँ पे डिफेंड करते हुए जीता गया, 1 मैच यहाँ पे चेस करते हुए जीता गया। अब देखो इस मैच में 14 विकेट पेसर को मिले और सिर्फ 4 विकेट यहाँ पर स्पिनर को मिले। तो क्या आज के इस ग्राउंड पे जो अभी का, ये हालांकि पिछला रिकॉर्ड है लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, क्या मतलब पेसर को ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है या फिर स्पिनर को, वो आपको फाइनली मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मौसम का भी कुछ ऐसे हालात हैं ना जिसको जिसकी वजह से पेसर यहाँ पे हावी हो सकते हैं, वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, हालांकि पेसर इस मैच में देखोगे 14 विकेट से लेकर गए, इसकी वजह से पेसर यहाँ पर ज़्यादातर विकेट से लेकर गए, लेकिन ये 2 मैच में आप देखोगे ना स्पिनर का कमाल यहाँ पे देखने को मिला था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी कुछ हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखो पेसर वर्सेज स्पिनर की यहाँ पर बात करें तो पिछले 3 मैचों का लेखा जोखा जो आप अभी आपने देखा, स्पिनर को टोटल 21 विकेट्स मिले और पेसर को 28 विकेट्स मिले, चूँकि 14 विकेट्स एक ही मैच में मिल गए थे, ठीक है ना। अब देखो पेसर को फर्स्ट इनिंग में 16 विकेट्स मिले और सेकंड इनिंग में यहां पे 12 विकेट्स मिले। अब आ जाओ यहां पे स्पिनर की बात कर ले तो स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 6 और सेकंड इनिंग में 15 विकेट्स मिले। तो यहां पर सेकंड इनिंग में स्पिनर धमाल करते हैं, तो स्पिनर को सेकंड इनिंग में आप जरूर से ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग के लिए क्वालिटी स्पिनर को ही आपको ट्राई करना चाहिए। और यहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ज्यादातर विकेट से लेकर जाते हैं और वैसे भी मौसम खराब है तो हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है, तो यहां पर फर्स्ट इनिंग में इनिशियल ओवर में स्टार्टिंग ओवर में मतलब पेसर आपको ज़्यादातर विकेट से लेते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे उसके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। अब कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं सब कुछ एक एक करके मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इस मैच में भी गिव वे है, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट का, उसके बाद सुपर कॉमेंट का, और एक सवाल भी मैं आज आपको पूछने वाला हूँ जिसका आपको आसान जवाब देना है। तो ज़रूर से कॉमेंट करना भाई, जैसा मैं सारे वीडियो में आपको गिव वे देता हूँ ठीक उसी तरह आज भी आपको गिव वे देने वाला हूं, तो जरूर से कमेंट करना। अब चलो अब यहां पर हम देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, लास्ट 10 मैचों की हम बात करें तो यहां पर देखेंगे इंग्लैंड ने 8 मैचेस को विन किया और सिर्फ 2 मैचेस को न्यूजीलैंड ने विन किया। वहीं पे आप देखेंगे लास्ट 5 मैचों का परफॉर्म देखेंगे आप तो इंग्लैंड ने 4 मैच विन करके आ रही है और 1 मैच लूज करके आ रही है। वहीं पे बात करें न्यूजीलैंड की तो 1 ही मैच विन की है, बाकी के 4 का 4 मैच लूज करके आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। और वैसे भी आप प्रीवियस मैच देखेंगे आगे आपको भी पता चलेगा कि क्या रह सकता है। देखो यहाँ पर अब ये जो है ना इस सीरीज में जो पिछला 2 मैच हुआ है इस सीरीज में, ये 3रा ओडीआई मैच है जिसका मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 मैच पहले हो चुके हैं, फर्स्ट ओडीआई यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद
सेकेंड ओडीआई। ये दोनों का दोनों मैच इंग्लैंड ने ही जीता था। अब देखो यहाँ पर बात करें, ये फर्स्ट ओडीआई का ड्रीम टीम है, ये आप देख सकते हो फर्स्ट ओडीआई का। और यहाँ पे देखो 26 जून 2024 को न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 156 रन बनाई, वहीं पे इंग्लैंड वुमेन्स ने 157 रन 21 ओवर में ही बना करके इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट्स गिरे, फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट्स और सेकंड इनिंग में सिर्फ एक ही विकेट्स, इंग्लैंड का सिर्फ एक ही विकेट्स गिरा था। और पेसर यहाँ पे 8 विकेट लेकर गए थे और स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट्स मिले थे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आ जाओ 30 जून 2024 की बात करें, न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 141 रन बनाई, वहीं पे इंग्लैंड ने 142 रन बना करके 24 ओवर में इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट्स गिरे, 9 विकेट्स और सेकंड इनिंग में भी एक ही विकेट्स गिरा, ठीक है ना। तो आपने एक विकेट से रन आउट हुआ था। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो पेसर को 3 विकेट मिले और स्पिनर को 7 विकेट्स मिले। तो भाई लॉजिक आपको समझने की ज़रूरत है। देखो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर विकेट्स गिरे थे, स्पिनर ने 7 विकेट्स लिए थे। तो यहाँ पे ड्रीम टीम में देख सकते हो, यहाँ पे एम वाउचर वाइस कैप्टन का कंटेंडर बनी थी और 5 जो है ना खिलाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ओडीआई में 5 बैट्समैन बैटिंग सेशन से 5 बैट्समैन ड्रीम टीम का हिस्सा बनी थी। वहीं पे एक एजॉन्स आपको विकेट कीपर सेक्शन से और सिर्फ 2 खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑलराउंड सेक्शन से ड्रीम टीम का हिस्सा बनी थी और 3 यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से ही, 3 यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से बनी थी। अब देखो सीडिन यहाँ पे कैप्टन बनी थी। अब आ जाओ यहाँ पे देखो सेकेंड ओडीआई मैच की बात करें तो सिर्फ 3 बैटिंग सेक्शन से ही निकल के आई थी इंग्लैंड की तरफ से वाइस कैप्टन एम वाउचर और यहाँ भी एम वाउचर वाइस कैप्टन बनी थी और यहाँ भी एम वाउचर ही वाइस कैप्टन बनी थी। अब एक्लेस्टोन यहाँ पर बन गई थी कैप्टन देखो बॉलिंग सेशन से। अब यहाँ पे 3 यहाँ पर इंग्लैंड की ही बॉलर ड्रीम टीम में थी। अब यहाँ पे 4 यहाँ से 2 निकल करके यहाँ पे ऑलराउंड सेशन में 4 खिलाड़ी यहाँ पे ड्रीम टीम का हिस्सा बनी थी। अब इस मैच में क्या हो सकता है फाइनली मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। देखो ये दोनों मैच अलग अलग ग्राउंड पे हुए थे, दोनों मैच ना अलग अलग ग्राउंड पे हुए थे और ये मैच अलग ही ग्राउंड पे है। तो अब इसका लॉजिक क्या है टीम बनाने का, वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि भाई ये मैच ना इंग्लैंड के फेवर में जाएगा क्योंकि इंग्लैंड यहाँ इंग्लैंड का पल्ला भारी है। 80% चांस इंग्लैंड का है, वहीं पे 20% चांस यहाँ पे न्यूजीलैंड का है। लेकिन लॉजिकल तरीके से अगर ज़्यादा टीम बनाते हो तो एक टीम आप न्यूजीलैंड के फेवर में भी बना सकते हो क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी दो बार पराजित किया है कहीं ना कहीं इंग्लैंड को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मस्ट हैव पिक की बात कर लें तो मस्ट हैव पिक में हमने सोफी एक्लेस्टोन को लिया हुआ है, एम वाउचर को लिया हुआ है और केट क्रॉस को लिया हुआ है और टिमी बी माउंट को लिया हुआ है और यहाँ पे सीडिन को लिया हुआ है। ये 5 खिलाड़ी ना इंग्लैंड की तरफ से मैंने फिक्स किया हुआ है, 5 खिलाड़ी ये 5 ना इंग्लैंड की तरफ से फिक्स किया हुआ है। 3 खिलाड़ी मैं आपको बता दूं, ए हैलिडे और एमेला केयर और सोफी डेवान, ये 3 खिलाड़ी मैंने लिया हुआ है कहाँ से, न्यूजीलैंड की तरफ से। टोटल 8 प्लेयर आप फिक्स करके जा सकते हो भाई, ठीक है ना, 8 प्लेयर यहाँ पर फिक्स करके जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, अमेलिया के केयर या फिर सोफी डिवाइन इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप ग्रैंड लीग में रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन वैसे मैं तो सारी टीमों पे लेके जाऊंगा भाई, मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर ये 8 रहने वाले हैं। चलो अब यहाँ पर बात कर ले सीबीसी कॉम्बिनेशन का, तो 5 ऐसे खिलाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ जिनके इर्द गिर्द आपको सीबीसी घूमता हुआ दिखेगा, वो कौन से खिलाड़ी है फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सोफी एक्लेस्टोन सीबीसी का कंटेंडर, उसके बाद नेट साइबर ब्रंट इस मैच में इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके बाद एम वाउचर जो कि आपने देखा दोनों पिछले दोनों मैचों में वीसी बन के आई, ठीक है ना, वहीं पे सीडिन, ठीक है, उसके बाद अमेला केयर। ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीबीसी का कंटेंडर बनती हुई दिख सकती हैं, इन्हीं में से आप सीबीसी रोटेट कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर। जैसा मैं आगे आपको सारा प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, सारा एनालिसिस करके देने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप सीबीसी को रोटेट कर सकते हो। कैप्टन किसको बनाओगे, वीसी किसको बनाओगे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 5 ही खिलाड़ी ऐसे ना जो आपको सीबीसी का कंटेंडर बनते हुए दिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे प्लेइंग 11 देख लेते हैं। देखो कुछ ऐसा प्लेइंग 11 इंग्लैंड का रह सकता है जो आपके सामने है, बी माउंट, उसके बाद एम वाउचर और एच नाइट, नेट साइबर ब्रंट, उसके बाद डेनियल बैट और एमी जॉन्स, एलिस कैप्सी, उसके बाद सीडिन और सोफी एक्लेस्टोन, केट क्रॉस और एल फिलर। तो कुछ ऐसा प्लेइंग न्यूजीलैंड इंग्लैंड वुमेन्स का रह सकता है। अब न्यूजीलैंड वुमेन्स का देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पर एस बेट्स, उसके बाद जीप लेमर और एमिला केयर, सोफी डिवाइन,
उसके बाद मेडिग्रीन और बुरके हेल्डे, उसके बाद आई गैजी, उसके बाद लॉरेन डाउन और जेस्केर और मोली पेनफॉल्ड और फ्रांस जॉन, ये कुछ ऐसा ब्रेन न्यूजीलैंड वुमेंस का रह सकता है। इन दोनों टीमों में अगर कुछ भी बदलाव हुआ वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को पक्का से ज्वाइन करना। अब हम यहां से डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि फाइनली कौन से खिलाड़ी को कैसे आपको रखना चाहिए। देखो यहां पे विकेट की प्रोटेक्शन की बात करें तो तीन खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे, एमी जॉन्स खेलती हुई दिखेंगी, कहाँ से, इंग्लैंड की तरफ से। ये आपको डिम टीम में बनती हुई दिख सकती है, आप लेके जा सकते हो, देख सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। वहीं पे बात करें तो आप इग्नोर करना इसको, आई गेजी को, उसके बाद मॉडी ग्रेन को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन किस कंडीशन में मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ। देखो यहाँ से एक से दो का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा एक खिलाड़ी सिर्फ एमेजॉन्स, बाकी दो रखते हो ना तो मेडी ग्रीन के साथ आप जा सकते हो। वो भी कैसे, जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग आए ना न्यूजीलैंड की तो मेडी ग्रीन को ट्राई करना, अदरवाइज आप छोड़ के चल सकते हो। तो मैंने आपका ये जो मेरा फेवरेट है एमेजॉन्स ना, ये मेरा फेवरेट रहने वाली है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये बैटिंग सेक्शन है। अब इस सेक्शन में इंग्लैंड की तरफ से एम बाउचर, उसके बाद डेनियल बार्ट और टेमी वीमाउंट, ये खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद लॉरेन डाउन और एच नाइट, ये पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग सेशन से खेलती हुई नजर आएंगी। तो अब बात करें बी वाउचर की, तो ये देख सकते हो 100 रन, 67 रन, 34 रन, दो मैचों में लगातार वीसी बन के आ रही है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रह सकती है, लेके जाना, डिम टीम का हिस्सा बन सकती है भले ही वीसी ना बने। उसके बाद डेनियल बार्ट की बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन फिर भी सेकेंड इनिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। बी माउंट इंपॉर्टेंट रह सकती है, डिम टीम का हिस्सा बन सकती है, लेके जाना, लगातार देख सकते हो 28 रन, 76 रन। उसके बाद लॉरेन डाउन की बात करें, कट मार के चलना। उसके बाद एच नाइट की बात करें तो भाई एच नाइट बहुत अच्छी खिलाड़ी, कभी कभी बॉलिंग भी करती है, तो सेकेंड इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो ग्रेन ली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें, सूजी बेट्स की बात करें, भाई सूजी बेट्स 5 रन, उससे पहले 6 रन, 1 विकेट, ठीक है ना, ये मतलब बैटिंग के साथ साथ ये आपको बॉलिंग भी करती हुई दिख जाती है कभी कभी, तो सूजी बेट्स को आप ट्राई करना फर्स्ट इनिंग के लिए। उसके बाद ब्रोक हॉलीडे की बात करें तो फिक्स लेके जाना भाई, ये आपको डिम टीम का हिस्सा बनती हुई दिख सकती है, देख सकते हो 6 रन, 1 विकेट, 57 रन। अब बात करें 14 मैच खेली हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 341 रन बना करके 30 के एवरेज से खेलती है, तो इंपॉर्टेंट रह सकती है। जी प्लेमर की बात करें तो आप जी प्लेमर को सेकेंड इनिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, जी प्लेमर आपके लिए ट्रम्प पिक का काम कर सकती है, ट्रम्प प्लेयर का, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो यहाँ से कितने खिलाड़ी लेके जाना है फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 3 से 4 खिलाड़ी आपको यहाँ पर डिम टीम में बनते हुए दिख सकते हैं। अब मेरा फेवरेट कौन होने वाली है, तो एम बाउचर यहाँ पर मेरा फेवरेट रहने वाली है, उसके बाद बी माउंट मेरा फेवरेट रहने वाली है, उसके बाद यहाँ से हॉलीडे मेरा फेवरेट रहने वाली है, 3 खिलाड़ी मेरा फेवरेट है। बाकी आप प्लेमर के साथ भी जा सकते हो, जो मैंने बता दो, एच नाइट के साथ भी आप जा सकते हो, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो यहाँ पर ऑलराउंड सेक्शन की बात कर लें, तो यहाँ से 5 खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, 3 खिलाड़ी आपको इंग्लैंड की तरफ से खेलती हुई नजर आएंगी, उसके बाद 2 खिलाड़ी आपको नजर आएंगी न्यूजीलैंड की तरफ से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो बात कर लें सिरिन की, तो यहाँ पर 2 विकेट, 4 विकेट, 20 मतलब इंपॉर्टेंट रहेगी, ड्रीम टीम का हिस्सा बनती हुई दिखे। नेट साइबरवंट 2 रन, 1 विकेट, मतलब अभी तक दोनों मैचों में कोई खास करके नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी प्लेयर है, कभी भी अच्छा कर सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फिक्स लेके जा सकते हो। अलिसा कैप्सी की बात करें, ये बंदी भाई लेके जा सकते हो भाई, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा, जब फर्स्ट इनिंग में मतलब इंग्लैंड की बॉलिंग आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एमिला केर की बात करें, लेके जाना भाई, इंपॉर्टेंट रह सकती है सोफी डिवाइन, हालांकि ग्रैंड लीग में अगर ज़्यादा टीम आता है तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, रोटेट मतलब रोटेट करके, ठीक है ना, वैसे इंपॉर्टेंट दोनों रह सकती है। अब यहाँ से कितने खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो, 3 से 4 खिलाड़ी यहाँ डिम टीम में बनती हुई दिख सकती है। अब मेरा फेवरेट कौन रहने वाली, तो सिरिन मेरा फेवरेट रहने वाली है, उसके बाद यहाँ पे नेट साइबरबर्न फेवरेट रहने वाली है, और अमीला केर यहाँ पर मेरा फेवरेट रहने वाली है, उसके बाद सोफी डिवाइन को भी आप ट्राई कर सकते हो। वैसे 3 खिलाड़ी मेरा फेवरेट है, बाकी आप 4 के साथ भी आप जा सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम ये बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर विकेट्स भी अच्छे खासे गिरते हैं, इसलिए आपको बॉलिंग सेक्शन पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आप बाजी मार सकते हो, ग्रैंड लीग को जीत सकते हो। तो देखो यहाँ पे केट क्रॉस खेलती हुई नजर आएंगी, लगातार एक एक विकेट ले रही है, डीम टीम का हिस्सा बन रही है। सोफी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये तो कमाल करती है, पिछले मैच में 5 विकेट लेके गई, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले भी 3 विकेट।
इंपॉर्टेंट रहेगी, ये दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है ना। लॉरेन फिलर की बात करें, ये भी आपको ड्रीम टीम में बनती हुई दिख सकते हैं, आप कैसे लेके जाना फाइनली बताऊंगा। फ्रांस जॉन्स की बात करें तो अभी तक लगातार 3 मैचों में फ्लॉप जा रही है। उसके बाद जेस केयर की बात करें, फ्लॉप, उससे पहले 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, इस मैच में विकेट लेके जा सकती है। मौली की बात करें मैनफोल्ड की, तो लगातार 2 मैचों से फॉलोअप जा रही है। देखो यहाँ से मुझे एक खिलाड़ी समझ में आ रही है, वो समझ में आ रही है जेस केयर, ठीक है ना। बाकी यहाँ से ये तीनों इंपॉर्टेंट रह सकती है। अब यहाँ से कितने खिलाड़ी लेके जाओगे, तो मुझे लगता है कि 3 खिलाड़ी यहाँ पे ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकती है। अब मेरा फेवरेट कौन रहने वाली है, तो सोफी एक्लेस्टोन मेरा फेवरेट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर केट क्रॉस मेरा फेवरेट रहने वाली है। बाकी 3 खिलाड़ी को आप लेके जा सकते हो यहाँ पर, लॉरेन फिलर के साथ या फिर जेस केयर के साथ आप जा सकते हो। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर बात कर ले ट्रंप प्लेयर की, तो ट्रंप प्लेयर जानना आपका बहुत ज़रूरी है। आज के मैच में दोनों टीमों में से ट्रंप प्लेयर का काम कौन कर सकती है, जो ग्रैंड लीग में आप रोटेट करके ना ग्रैंड लीग को अपनी ग्रैंड लीग की टीम को टॉप पे रैंकिंग करा सकते हो। तो देखो यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से कौन खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती है, तो वो है एच नाइट, ये ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती है। उसके बाद अलिसे कैप्सी, ये 2 खिलाड़ी हैं जो ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती है, आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 2 खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती है। एक तो जी प्लेमर, ये ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती है। उसके बाद जे केयर, ये ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती है। ये 4 मैंने आपको ट्रंप प्लेयर बता दिया, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम को यूनिक बना सकते हो। अब देखो गिब्बे का सवाल आ रहा है, उससे पहले फटाफट से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाखों लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको पीछे नहीं रहना यार, ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि सारा अपडेट मैं आपको यहाँ पर फ्री में देता हूँ, एक भी पैसा आपका नहीं लगने देता, और टाइम टू टाइम आपको सारे मैचों का की टीम भी देता हूँ, तो यूनिक टीम देता हूँ जहाँ आप अच्छी विनिंग कर पाते हो, आपको समझ में आता है कि भाई क्या हो सकता है आज इस मैच में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो। दोस्तों आज का सवाल, गिब्बे का सवाल है, कैप्टेंसी पारी कौन खेलेगी, उसका नाम बताना है और उसके फैंटेसी पॉइंट्स बताने हैं, जैसे कि 80 से 85, 90 से 95, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 5 का अंतर रख सकते हो फैंटेसी पॉइंट्स का जो बताना है, ठीक है ना, नाम के साथ कौन कैप्टेंसी पारी खेल सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक करके जाना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।